He is Harshin Singh Hiruman. स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों समूह स्टाफ मैंबर अते प्रिंसिपल साहब का पहला मैं तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने साड़ी बेनती प्रवान करते हुए अपना कीमती समा साड़ी टोली में पाया है। आओ अज आप जिस विषय की गल करनी है उसके संबंधित सलोक विषय बोर्ड से लिखा हुआ है। साडा विषय है अजकल जुबान जिहड़ी जुबान है जिहड़ी अपने परमात्मा ने बोलने वाले दिती है इहदा असल में साडे जीवन में काम की है ते जुबान किदां नुकसान करा सकती है किदां फायदा करा सकती है। जे ते आप बड़ी सीरियस होकर क्लास लावांगे जिहड़ा आप सैमिनार कर रहे हैं मैं पक्का अगर कह सकता भी तुहानू जरूर अज कुछ सीखण नू मिलेगा। सो मेरे प्यारे वीरो आओ सब तो पहला आप गज के पदे बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा विज्ञान ने साइंस ने गल आखी है तो हमें भी चंगी तरह पता होगा कि मनुखी शरीर में 206 अड्डियां हैं। मनुखी शरीर में 206 अड्डियां हैं पर जुबान च कोई अड्डी नहीं है। जुबान बिल्कुल कोमल है नरम है पर जुबान में इतनी ताकत है भी तुम्हारी 206 अड्डियां तना सकती है। भले शरीर में 206 अड्डियां हैं जुबान से कोई अड्डी नहीं है पर जुबान से इतनी ताकत है तुम्हारी 206 अड्डियां तना सकती है। इसे करके ही साड़ी पंजाबी भाषा के कई मुहावरे बन गए। वो मुहावरे तुम भी सुने हो जिवें चार पांच मुहावरे मैं तुम सुना हाँ। जिवें एक मुहावरा है कि पीर कमान ते गल जुबान चो निकली कदे वापस नहीं आती पहला तुरो फिर बोलो जिवें जी पूझ आवाज मारा भी उही बाहर आएगी। हुण जिहड़ी इह मुहावरे जिन्हां बजुर्गां ने बनाए सन जिन्हां सियाणे बंदिआं ने मुहावरे बनाए सन उन्होंने सानू सिक्ख्या देण वाले बनाए सन कि पहला इन्हां मुहावरिआं नूं ध्यान च रखदे होए असीं अपनी जुबान की वरतों करिए। ठीक है मैं बहुत सोहणा राइटर होया शायद तुहाडे चो किसे ने ना सुनिआ होए उहदा नां है नरिंदर सिंह कपूर। उन्हें एक बड़ी प्यारी गल कही है वो कहता जो तुम जुबान जो कोई लफ्ज बोलते हो ध्यान ना सुनना गल समझ पएगी बड़ी कीमती गल है। कहता जो तुम जुबान जो लफ्ज बोलने वास्ते सोचते हो उदो लफ्ज तुहाडे गुलाम होंदे हन। मान लो तुहाडे नाल तुहाडी किसे नाल लड़ाई हो गई है तुहाडी किसे नाल कोई वैर पै गया है तुसीं मान लो सोच रहे हो भी इहनूं सवेरे तक मैं आह गल्लां कहणियां हन इदां बोलणा हुण सवेर तों लैके हुण तक का समा साडे कोल 12-13 घंटे पिया है। हो सकता कि 12 घंटे में तुम अपने कई विचार बदल लो भी जिहड़ी गल तुसीं सोची सी हो सकता सवेर तक उहनूं बदल लो तुहाडे हथ विच आ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਆਹ ਦਵਾਂਗਾ ਆਹ ਨੀ ਕਹਿਣੀ ਆਹ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ जुबान तो लफ्ज बोलने तो पहला तुहाडे गुलाम हन पर जदों बोले गए मुड़के तुसीं सारी जिंदगी लफ्जां दे गुलाम रहिंदे हो। मुड़के तुहानू बंदा हर जगह भावें 20 साल हो जाण तुहानू चेता करा जांदा कि फलानी जगह तों आह गल कही सी ना ते सानू शर्म दा सिर झुकाउणा पैंदा है। इसे करके ही सतगुरु ने पावन बाणी में सानू जुबान की वरतों करनी सिखाई है। आ जिहड़ा शब्द आपां इत्थे लिखिया है शायद तुसीं बड़ी बार दरबार साहिब तों लाइव कीर्तन सुनिया होगा आसा की वार दा शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब जी के 473 नंबर पन्ने से है। गुरु नानक साहब महाराज इस श्लोक में सानू जुबान की वरतों करनी सिखाते हैं। एक साड़ी कौम का बड़ा बुखार बन गया तुहाडे कोल काफी बच्चे जो सिख धर्म का संबंध रखते होंगे सानू अक्सर यह दसी जाती है भी जी बाणी है इनू पढ़ने का ढंग की है। मान लो किसी का बच्चा विदेश नहीं जा रहा है तो सानू यह कह दिता भी 40 पाठ करो सूर्य साहब तो बच्चा विदेश पहुंच जाएगा। किसी का बच्चा पढ़ाई में लायक है तो इन्ने पाठ करो सूर्य साहब बच्चा शहार हो जाएगा। किसी का पुत्र नहीं होंगे 40 पाठ करो सूर्य साहब से पुत्र दाद मिलेगी। कोई गरीब है इन्ने पाठ करो थोड़े घर आह दाद मिलेगी कि तुम सारे का सहमत हो जी। मैं तुम्हें एक निकी जी एग्जाम्पल दे लगा जिहड़े लोग कहते हैं भी इन्ने पाठ करो तो आह मिलेगा इन्ने पाठ करो आह मिलेगा उन्होंने हिम्मत करके एक सवाल पूछ लिया जे तुम जी मान लियो नहीं तो साड़ी मान लो
जिहड़ा बंदा है कहिंदा वी 40 बार करन दे नाल तुहानू विदेश दी टिकट मिल जाएगी, बच्चा पास हो जाएगा, कोई अगर कोट हो जाएगा, उन्होंने जो पूछेगा तुम्हें 40 कहते हो मैं 100 करने वास्ते तैयार हाँ, 100 छड के मैं 1000 करने वास्ते तैयार हाँ, मैनू जो दिन गड्डी चाहिए मिल जाएगी। हाँ जी मैनू 4 मंजिली कोठी चाहिए है, मैं 1000 पढ़ करने वाले तैयार हाँ, मिल जाएगी भला? जे तो इदा मिलती होंगी तो काम बड़ा सौखा सी, फिर भी आप सारे पैसे पार करते आप स्कूल के लिए लगाना से सोच के देखो जरा तुम्हारू पेरेंट्स ने तुम्हारू तो किसी का पहला किसान है कि सियाल में ठंड में खेतों में पानी लाया कि मेहनत की पैसा जोड़िया तुम्हारू वर्दी दी लैके उन्हें किताबा दी लैके स्कूल की फीस उतारी स्कूल का पढ़ का प्रबंध किया रोटी का प्रबंध किया इन्नी मेहनत की तुम स्कूल पढ़ते हो तुम्हारी की आस है भला कि स्कूल पढ़ा चंगी नौकरी मिलेगी चंगे पैसे कमावे पैसे हो गए चार तो कल मैरिज करनी है अगला जो है लाइफ है वो वजिए लंघ जाएगी यही है सारा तो जे सारा कुछ इदा मिलता होता भी 40 पैर करो तो कोठी बन जाती है 40-50 पैर करो तो गया हो जाएगा तो फिर तो मैं 1000 पैर करूं तैयार हाँ फिर काम सौखा मैं आप स्कूल की लैन वास्ते आया फिर जो इन्ना बड़ा कारोबार मुड़ी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसका मीनिंग यह है कि सानू भुलेखा पा दिता गया और गुरु ग्रंथ साहब के 1430 बन्ने हैं किन्ने बन्ने हैं जी भला हम 1430 पन्नों के विचों जी सुखमनी साहब की बाणी है 262 पन्नों से शुरू होती है 296 पन्ने से जाके संपूर्ण होती है मतलब कि सुखमनी साहब की बाणी के केवल 32 पन्ने हैं जे तो कल सुखमनी साहब की बाणी पढ़ने वाला होंगे तो वे गुरु साहब ने 1430 पन्ने क्यों लिखे एक क्वेश्चन है साढ़े वास्ते आप सारे चंगी तरह जानते हैं गुरु नानक साहब जी ने प्रचार क्रिया की गुरु साहब तिब्बत गए लेह लद्दाख गए मक्के गए हम एक नवी खोज हो चुकी है सरदार सोहन सिंह खालसा बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं उन्होंने किताब लिखी है सत पुराना हो गए ना ही उन्होंने एक नवी खोज की है वो कहते हैं गुरु नानक साहब इटली भी गए हैं गुरु नानक साहब जी इटली गए हैं शायद तुम्हें नाम सुनया होगा मार्टिन लूथर का नाम सुनया जी अपना जिन्हें प्रोटेस्ट धर्म चलाया मार्टिन लूथर अज ईसाइया भी दो धर्म चलते हैं एक कैथोलिक एक प्रोटेस्ट धर्म है दोनों के आपो अपने वक्रे नियम हैं कानून हैं बाइबल भी दो हम आप सारे जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट गुरु नानक साहब जी इटली गए हैं उतों के पोप लियो दसवा कौन सी पोप लियो उन्होंने मिले हैं गुरु नानक साहब मार्टिन लूथर का गुरु नानक की मुलाकात हुई है मार्टिन लूथर ने अपनी किताब बकायदा गुरु नानक साहब का जिक्र किया है इन्हों लोगों को मानने वाले तैयार नहीं सन पर अज जो इटली का वैटिकन सिटी का पोप है उन्हें बकायदा लेके नहीं दिता कि गुरु नानक साहब इतने आए सन हम सोच के देखो गुरु नानक साहब इटली तक जाते हैं गुरु नानक साहब 1501 में प्रचार में शुरू करते हैं 1521 तक प्रचार दे करते हैं 20 साल गुरु नानक साहब ने दुनिया घूमी है एशिया घूमिया है जिसे काम इन्ना सौखा होता तो गुरु साहब ने इन्ना वड्डा प्रचार करने की की लोड़ पई सी तुम शायद किसी को ना पता हो जी भाषा ना पंजाबी भाषा आम तौर पर सबको कहा जाता भी पंजाबी भाषा गुरुआ की भाषा गुरुआ ने शुरू की है पर नहीं असल पंजाबी भाषा जी है बहुत पुरानी है क्या एक सबूत है साढ़े को मैं कोई भी कह बिना सबूत नहीं कहगा वो सबूत कह जी गुरु ग्रंथ साहब में जो सब तो पुराने भगत हैं वो है बाबा फरीद जी आप कापियां रखी हैं थोड़ी कुछ गलत नोट करने वाली होट कर रहे हैं जी गुरु नानक साहब को भी काफी समय पहले हुए सब तो पहले भगत गुरु ग्रंथ साहब 15 भगतों की बाणी है 6 गुरुआ की है 11 भट्टा की है 3 गुरसिखा की है जो सब तो पुराने भगत हैं बाबा फरीद जी हैं उन्होंने जन्म होया 12वीं सदी 1173 ईस्वी 1173 ईस्वी में पालपड़ जो पाकिस्तान में है बाबा फरीद का जन्म होया 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में बाबा फरीद का जन्म होया तो बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है तो सारी बाणी पंजाबी लिखी हुई है इसका मीनिंग यह है कि जी पंजाबी भाषा है वो अब तो 1000 साल पुरानी है और गुरु नानक साहब 1473 ईस्वी जन्म लेते हैं प्रकाश भरते हैं ननकाणा साहब बाबा फरीद जी 1173 ईस्वी जन्म लेते हैं इसका मीनिंग वो तो पहले भी पंजाबी चलती होगी ना सारे पंजाबी लिखे उन्होंने फिर गुरुओं ने किया कि असल गुरु अर्जन पातशाह जी ने उन्होंने तरतीब दी है पंजाबी भाषा को तरतीब दी गुरु अर्जन साहब जी ने वो अखरों में एक तरतीब देकर
बकायदा प्याला तैयार किया गुरु साहब जी ने। गुरु साहब का यह काम से असल में पंजाबी भाषा 1100 साल पुरानी है। हम यदि गल मैं कह लगा उस वाल आप ध्यान दे 1173 ईस्वी बाबा फरीद का जन्म होया तो बाबा फरीद सब तो पुराने भगत हैं उन्होंने बाणी दर्ज है। गुरु तेग बहादुर साहब का जरा प्रकाश है उन्होंने जी बाणी लिखी है उन्होंने 1673-74 के करीब लिखी है मगर जिन्हें सब को आखिरी गुरु साहबान मजर की बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है और 1173 तो लैके 1673 तक किए साल बनते हैं जी भला काउंटिंग नहीं आपको पता 1173 तो लैके 1673 तक 500 साल का लगे भाव के 5 सदियां हो गई है। गुरु ग्रंथ साहब का जरा खजाना अब साढ़े कोल है जरा ज्ञान गुरु साहब साड़ी झोली च पा के गए हैं यह 500 साल लगे हैं बढ़ा 500 साल 1173 ईस्वी शुरू काम होया तो गुरु साहब जी ने 1673 जाके काम मुकाया जरा 1708 में आप सारे जाके गुरुआ गति मिली है। मेरे कहने का भाव है जे काम इना सौखा हों भी आह पाठ कर लो तो आह मिलता है आह पाठ कर लो तो आह मिलता है फिर भी गुरु साहब ने 500 साल होने की लड़ पी गुरु साहब एक मेहनत होंगे कला सुख साहब कहा लेके जाते भी आह कर लियो या अपने काम संभाल लियो हम एक बेनती हो करा मैं ध्यान ना सुनो मेरे भीरों ठीक है ना। किसी ने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है एक बंदा सी उन्हें किताब लिखी वो किताब अपनी पब्लिश करने वास्ते गया जब वो गया वो कह लगा उन्हें किताब लिखी है 200 पन्नों की किताब है एक किताब मेरा छपाउणी है वो बंदा पूछने लगा भी किताब किहड़े विषय ते है कहदे विषय ते किताब लिखी है कहिंदा मेरा विषय यह है भी घोड़ा किवें चलता है घोड़ा किवें तुरदा है। वो बंदा बड़ा हैरान होया भी कला जाती बंदे ने अज तक असीं यह खोज सुनी नहीं भी इन्हें बड़ी तगड़ी खोज की होगी भी घोड़ा किवें चलता है किवें तुरदा है भी 200 पन्नों की किताब लिखी है कहिंदा की लिखा है बच्चे ने और बंदा कहिंदा मैं पहले पन्ने ते लिखिया भी अज तुहानू दसांगा भी घोड़ा किवें तुरदा है बाकी नवे पड़े लिखे टक 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 पहले पन्ने लिखा भी घोड़ा किए बोलता तो दसागा बाकी सारे पन्ने टक 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 भरे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जे तो गुरु साहब ने आही काम करना होगा जरा असं कर रहे हैं कि आह पढ़ कर लो कि आह मिलेगा और एक किताब लिखनी बड़ी सौखी है अब कई प्रोफेसर किताब लिखते हैं 400 पन्नों की किताब है वो लिखा कुछ नहीं होंगे आप सारे जानते हैं कुछ सीखने नहीं मिलता गुरु साहब ने 500 साल क्यों लाए गुरु साहब ने 20 साल 50 महीने क्यों की असल में गल कुछ होर सी बाणी की जो ज्ञान है वो सानू अकल दिता है सिक्ख्या दिखती है बाणी में तुम्हें किमें बोलना है तुम्हें किमें करवाना है तुम्हें किमें जिंदगी बतीत करनी है तुम्हारा फ्यूचर वधिया किमें बन सकता है तुम्हें जीवन क्या सीखनी है बाणी को हम जी जुबान की गल कर रहे हैं यह जुबान वाले गुरु साहब ने बाणी से बड़ा प्यारी सिक्ख्या दी है सानू बहुत प्यारी सिक्ख्या अक्सर साढ़े मन च भुलेखा पाता भी जो गुरु नानक साहब जी हैं वो पढ़े नहीं सन सानू भुलेखा पा दिता गया हूँ 1430 पन्ने हैं गुरु प्यार वाले सारे तुम मेरे भरा बैठे हो 31 रागों से बाणी लिखी हुई है 31 राग तुहाड़े सामने मेरे तो किधर बैठे हैं खड़े हैं इन्होंने पूछ सकते हो भी राग सीखने किन्ने औखे हैं कि राग बंदा सीख सकता सौखा जी हूँ जिस इंसान ने राग सीखने वह कि समय चाहिए सीखने वास्ते फिर गुरबाणी सारी व्याकरण भरी हुई है तो जो भी व्याकरण बाणी है चाहे तुम्हें पाद जी मिलेगी फिर बाणी कविता लिखी हुई है हम कवि बनना रागी बनना एक व्याकरण का माहर बनना उस तो अगे वेखो बाणी में संस्कृत भाषा भी है बाणी ब्रिज भाषा भी है बाणी की फारसी भी है बाणी की तमिल भाषा भी है बाणी की गुजराती भी है बाणी की मराठी भाषा भी है हम 8-9 भाषावान का ज्ञान बाणी में है 8-9 भाषा सीखना कि समय लगेगा नहीं पर आप एक भी सीखते कि करना पक्षु बात हो गया अभी तक नहीं आई बनी आप तो गुरु साहब जी ने 8-9 भाषावान का ज्ञान हासिल किया गुरु साहब मके गए हैं तो मके ने काजी ने गल करते हैं फारसी के अरबी भाषा गुरु साहब आती थी उर्दू भाषा गुरु साहब आती थी और इन भाषावान का ज्ञान हासिल करना इन गज बाणी चारनी इन्नी व्याकरण वर्तनी कविता में बाणी लिखनी कि यह अनपढ़ बंदा कर सकता जी हम अगला जरा मेरा क्वेश्चन है ध्यान में सुनिया जाए क्योंकि आपको यह कहना क्लीयर होने चाहिए है तो सू फायदा होगा सैमिनार कर गुरु नानक साहब का आवाज 1469 से प्रकाश होता है मैं पहला दस दिता 1501 गुरु नानक साहब प्रचार आदि बात तुरते हैं 1469 को लैके 1501 तक किन्ने साल बनते हैं जी
1400 तक गुरु नानक साहब प्रकाश होता है, 1501 बजे गुरु नानक साहब तुरते हैं, 32 साल बनते हैं। हम मेरा क्वेश्चन है सारे वीर सीरियस होकर सोचने की कोशिश करो, थोड़े बड़े भुलेखे दूर हो जाएंगे मेरे वीर। 1490 गुरु नानक साहब प्रकाश होया, 1501 गुरु नानक साहब मिले हैं। जिन्हें गुरु नानक साहब उपर पढ़ के आए होंगे जिम्मे से कहा जाता है, फिर गुरु नानक साहब 32 साल उड़ीकन की जरूरत पड़ी, गुरु नानक साहब 10 साल में तुर पे। जे ज्ञान गुरु साहब पढ़वाया होंगे गुरु साहब क्या कि नहीं पढ़े सन, जे गुरु साहब ने ज्ञान हासिल नहीं किया फिर 32 साल गुरु साहब घर की करते। एक क्वेश्चन तेरे साडे वास्ते, गुरु साहब 1501 च तुर गए हैं, 1490 च प्रकाश होता है, 32 साल गुरु नानक साहब घरे रहे हैं, गुरु साहब पहला क्यों नहीं तुरे? जो जवाब लगोगे तभी बाणी का जवाब मिल जाएगा। वो जवाब कहड़ा है? एक अंदर पास समझना है कि गुरु नानक साहब पढ़े लिखे सन। एक गल अपने दरबार जो मैं तुम्हें दलील दे रहा है वो याद रखा जाए, 32 साल गुरु नानक साहब ने पहला स्टडी की है, पहला पढ़ाई की है, पहला मेहनत की है, गुरु साहब ने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। एग्जाम्पल मैं थोड़े सामने रखा लगा हाँ, तो सारे छल पंथी जानते होवोगे बाणी की लुक्ति है। सतगुरु जी कहते हैं पातालना पाताल रख आकाशा आकाश ओणक ओणक भाल थके वेद कहने के बाद। हम वेद की मतलब सिर्फ वेद की है पौड़ी है, दो शब्द आए हैं, पहला पूरी सुन लीए। पास कहते वेद कहने के बाद सैंस 18 कहने के तेगा असलू में तार, एक शब्द है वेद, एक शब्द है कतेल। इन दोनों शब्दों से डिफरेंस है थोड़ा, अपने समझ लीए पहला। जे वेद हैं उन्होंने भारत के ग्रंथ जेरे भारत लिखे गए हैं, जेरे अपने भारत के ग्रंथ हैं, जिन्हें चार वेद होते हैं, ऋग वेद सामवेद अथर्व वेद जजुर वेद, इस प्रकार 6 सिमृतियां हैं, 7 पुराण हैं, 57 उपनिषद हैं, जेडे ये ग्रंथ हैं, 4 वेद 6 सिमृतियां 18 पुराण 56 उपनिषद, यह वेद ग्रंथ कहते हैं भारत के ग्रंथ। जेड़ा कतेब है, कतेब हैं जे भारत को बाहर के ग्रंथ हैं, जिन्हें एक अंजीर होती है, तरेब होती है, जंबूर होती है, बाइबल होती है, कुरान होती है। और गुरु साहब ने दोनों शब्द वरते हैं, बेदी वाल की है बाणी में, कतेब की भी की है। एग्जाम्पल दी है वेद में, कतेब के और तुम किसी किताब चो एग्जाम्पल तां दोगे जो तुम किताब पढ़ी हुएगी। इतना है कि आप किसी किताब चो कोई एग्जाम्पल तां दें जे आप किताब पढ़ी हुएगी, नहीं आप झूठे पै जाएंगे पढ़ी नहरे लिखा नहरे को क्या गुरु साहब का क्या लिखा। हम गुरु नानक साहब महाराज ने दोनों एग्जाम्पल दतिया हैं, वेद की भी एग्जाम्पल पाशाह ने कतेब की दी। वेद हम भारत के ग्रंथ जो महात्मा बुद्ध आया है, वह धमपद ग्रंथ है, धमपद ग्रंथ है महात्मा बुद्ध का, वो धर्म का वो ग्रंथ भी भारत लिखा गया, यह भी वेदा में ही आता है। कतेब हम भारत के बाहर के ग्रंथ बाइबल कुरान अंजील तुरेत जंबूर जो यहूदियों के हैं, मुसलमान के हैं, ईसाइयों के हैं। हम गुरु साहब दोनों की एग्जाम्पल देते हैं जपजी साहब के पाशाह कहते हैं पताला पताल लग आकाशा आकाश ओणक ओणक भाव लगे वेद कहने के बाद भी ये गल्ला वेद कहते हैं। सहस तारा कहना कितना असलू एक किताब यह गल कतेब कहते हैं। तुम किसी किताब का एग्जाम्पल पाल लो किताब पढ़ी हुई इतना मैंने की होया गुरु साहब ने पहले 32 साल हैं और 32 साल भारत के ग्रंथ भी पढ़े हैं, भारत के बाहरले ग्रंथ भी पढ़े हैं। यदि एग्जाम्पल जी मैं तुम्हें दे लगा हाँ, सरदार सोहन सिंह खालसा ने जी खोज की है जी उन्होंने किताबों से मार्टन लूथर की किताब से मिलती है, जो गुरु नानक साहब इटली गए हैं तो गुरु नानक साहब उसे 10वें पोप लियो मिले, पोप लियो 10वां सी उन्होंने गुरु नानक साहब मिले हैं। जोड़ा पोप लियो है उन्हें उसे एक बुल जारी किया, सरदार सोहन सिंह खालसा की खोज है। बुल कहते हैं जिम्मे साडे हुक्मनामा होता है काफिले तो उन्होंने बुल कहते हैं, और उन्हें जारी किया भी जोड़ा बंदा ईसाई बन गया उन्होंने तुम बतौर गुलाम वेच नहीं सकते, जोड़ा बंदा ईसाई बन गया वो बतौर गुलाम वेचिया नहीं जा सकता। यह बाइबल की विचारधारा है। जो गुरु नानक साहब को मिले जाके गुरु नानक साहब बोपने कह लगे भी तुम यह कहते हो भी जोड़ा ईसा मसीह रब का पुत्र है, जे सारे कुदरत है कायनात है यह परमात्मा ने साजी वाली बाइबल कहती है, वो कहता हां जी कहती है। गुरु नानक साहब कह लगे तुम हुक्म जारी किया है भी जोड़ा बंदा ईसाई बन गया वो बतौर गुलाम नहीं बेचा जा सकता, बाकी वाले बड़े की विचार है कि बाकी तुम कामयाब तो बाहर करोगे। जो पोप लियो ने गल सुनी पोप लियो एक बार हैरान हो गया भी मेरे को गलत बुल जारी हो गया, उन्हें दोबारा नवा बुल जारी किया। उन्होंने कहा भी कुछ भी बंदे कहता
गुंजाइश आई नहीं। किसी भी बंदे को बताओ गुलाम नहीं बेचा जा सकता। सब तो पहला गुलामा नहीं मंडी तकलीफ में गुरु नानक साहब ने बंद कराई थी। दूसरी जी एग्जाम्पल है मार्टिन लूथर ने गुरु नानक साहब मिलया है। मार्टिन लूथर ने गुरु नानक साहब ने बचाना करता है, गुरु नानक साहब ने गलबात करता है, गुरु नानक साहब की गलता उसे इन्ना असर होता है, उन्होंने प्रथा है अज भी है, उदों भी सी अज भी मौजूद है। तो प्रथा की है कोई भी बंदा कोई पाप करे, कोई बंदा गुनाह करे, चोरी करे, किसी को भैड़ा बोले, किसी का कतल भी कर दे, तो जब भी करता है उसे पादरी मिटा होता है। वो बाहर कहता मैं आ गुना किया है, पादरी कहता मैं तेरे सारे गुना गुना की जगह बगा मैं खत्म कर देना, तेरे सारे गुना माफ करा देना। उसे पैसे लगते हैं, पादरी को पैसे देते हैं, पादरी कहता मैं सारे गुना माफ कर दे। जो माडल मुद्दों ने गुरु नानक साहब ने पूछा भी की कि हो सकता है भी कोई बंदा रब का दलाल हो सकता है, भी बंदा कहता भी तू आ रहा जितने जा रहे सारे अपने माफ कर दे कि हो सकता है। तो गुरु नानक साहब ने उसे माडल मुद्दों को समझाया कि पूछना साजर पूछना तो है, पूछना लेना दे, परमात्मा ना किसी को पूछ के धरती साजता है, ना किसी को पूछ के ढोता है, ना किसी को पूछ के किसी को दिता है तो ना पाता है। जरा बदी अपनी मर्जी है कोई दंगा नहीं दे सकता। माता मुकुल का समझ आई वो जाके कोई बलियों मिले हम सुने ध्यान गल की गल सुन वाली है जी माता।